विलरीज क्वारंटाइन सेंटर, ये जमशेदपुर का है, यहाँ पे आपको एंट्री करवानी पड़ेगी और ये क्वारंटाइन सेंटर काफ़ी अच्छा है। यहाँ जमशेदपुर घुसने के हर जगह पे एक चेक पोस्ट है, एयरपोर्ट और पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। आप कहीं से भी आ रहे हैं, जैसे मैं रांची एयरपोर्ट से आ रहा हूँ तो मैं भी एंट्री करवाने जाता हूँ, देखते हैं कि आप उसकी। कोई भी रांची से आएंगे, जैसे जो अपने अपने शहर जा रहे हैं, कोई भी रांची से आएंगे, जैसे मैं जमशेदपुर आया हूँ, तो यहाँ पे उनको अपना चेक इन करवाना होगा, यहाँ पे भी उनको नाम लिखवाना होगा कि वो कहाँ से आए हैं और वो किस गाड़ी में आए हैं, अपना पूरा डिटेल देना होगा ताकि वो उस चीज़ को ट्रैक कर पाए। गाइस देखिए, अगर आप किसी क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले हैं तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको अपना लिखवाना पड़ेगा आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस क्वारंटाइन सेंटर में जाना चाहते हैं, आपके घर के आसपास आप जो क्वारंटाइन सेंटर में जाना चाहते हैं आप वहाँ का एड्रेस लिखवा सकते हैं। आपको एक ऐसा फॉर्म मिले, ठीक है, आपको एक ऐसा फॉर्म मिलेगा जिसमें क्वारंटाइन सेंटर का नाम, आप कब आए हैं, कहाँ का एड्रेस है आपका, वो इन्होंने नोट कर लिया है। अब यहाँ से ये आगे प्रोसीजर शायद फॉलो करेंगे। गाइस चेक पोस्ट पे मुझसे पूछा गया कि क्या मैं होम क्वारंटाइन लेना चाहूँगा या फिर क्वारंटाइन सेंटर जाना चाहूँगा, तो मैंने क्वारंटाइन सेंटर ही चूज़ किया क्योंकि मैं मुंबई से आ रहा था, एक रेड जोन सिटी से आ रहा था, तो मैं अभी घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि घर जाकर वो और प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्वारंटाइन सेंटर ही जाएँ। अगर आप होम क्वारंटाइन लेते हैं तो वो आपका एड्रेस लिखेंगे और बहुत सारे अलग फॉर्मेलिटीज़ होगी, एक अलग फॉर्म भी उसके लिए आपको मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल फिल करने पड़ेंगे, और जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा वहाँ पे वो उस नंबर के ज़रिए आपके लोकेशन को ट्रैक करते रहेंगे, और हो सकता है कि एक हफ्ते बाद या फिर दो तीन दिन बाद वो आपके घर पर भी आए चेक करने के लिए आप क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। मैं भी क्वारंटाइन सेंटर जा रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है, मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my word. Full tight व्यवस्था है यहाँ पे खाने का। चाचा बुलाते हैं सबको खाने के लिए जब भी खाना आ जाता है अपने पास। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये कैसा क्वारंटाइन सेंटर है। ये बेसिकली एक हॉस्टल टाइप का है। Birds, gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard. Yeah, you get what you deserve. Yeah. यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उससे फीडबैक मिला है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। भाई लोग, खाने की अनबॉक्सिंग हो रही है क्वारंटाइन सेंटर में। Ain't a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Ain't nothing, yeah. Rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold blooded, no budget. From nothing to something, I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top. हमने जो नहीं सोचा था वो हो गया है। हमने सोचा था नाश्ता 6 बजे आएगा, यहाँ पर इन्होंने 4 बजे दरवाज़ा ठोक कर नाश्ता देकर गए हैं। काफ़ी अच्छा है। मैं जिस दिन क्वारंटाइन सेंटर पहुँचा उसके दूसरे दिन मेरा कोविड टेस्ट हुआ, जितने नए लोग आए थे उनका भी हुआ, और ये कोविड टेस्ट टाटा कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाया था क्योंकि ये क्वारंटाइन सेंटर टाटा कंपनी मैनेज करती है। अभी नीचे हॉल में कोविड का टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आएंगे 3-4 दिन बाद।